आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जोर अजमाइश जारी है। दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहे हैं। कभी बीजेपी भूपेश सरकार के खिलाफ आक्रामक होती है तो कभी कांग्रेस। वहीं इन दिनों तो दोनों प्रमुख दल एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बताने में लगे हुए हैं। एक ओर बीजेपी भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उसे भ्रष्ट बता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि भूपेश सरकार के पास बीजेपी के 15 साल कार्यकाल का पूरा काला चिट्ठा है। देखा जाए तो लड़ाई 180 बनाम 18 महीने की है, लेकिन इसमें कौन किस पर हावी है अहम बात तो यह है। लिहाजा आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि किसी भी दल की जीत और हार की मतदाताओं के मत पर निर्भर है। मतदाता जिसके साथ होंगे जीत उसी की होगी। वैसे इन सबके बीच कांग्रेस ने अब अपना चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर माथा टेकने के बाद चुनाव प्रचार पर उतर गए। कमलनाथ ने मंगलवार को धार के बदनावर में कांग्रेस के लिए माहौल बनाया और अब लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे, जबकि दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अभी मंत्रियों के बीच विभागों की बंटवारे में उलझी हुई है। सीएम शिवराज अब तक मंत्रियों की जिम्मेदारियां भी तय नहीं कर पाए हैं और पार्टी सिर्फ वर्चुअल रैली के जरिए ही उपचुनाव के लिए हुंकार भरने में जुटी है। खैर, दोनों में किसका चक्रव्यूह ज्यादा महत्तर है ये हम बात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं जहां 180 बनाम 18 हो। तो छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह इन दिनों सरकार के खिलाफ मुखर है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी रमन सिंह को उनके 15 साल के शासन को लेकर घेरने में जुट गई है। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया था कि जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर अब सरकार की ओर से मंत्री रविन्द्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी के 15 वर्षों के ब्लैक प्रिंट का जनता ने हिसाब कर दिया है और कांग्रेस सरकार के पास जन घोषणा पत्र पूरा करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार है। तो चलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही स्थिति स्थान पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर के बीच सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच जमकर खींचतान चल रही है। विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेता इन दोनों सरकार के खिलाफ मुखर हैं और उसके कामकाज के खिलाफ समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया में माहौल बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भूपेश सरकार पर जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप जड़ रहे हैं। वहीं अब डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर कहा है कि शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, 2500 रुपए में धान खरीदी, किसानों का बकाया बोनस समेत कई वादों से सरकार पीछे हट रही है। जब उस समय जन घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो सबके बारे में सार्वजनिक रूप से बोला करते थे कि उनके पास ये सारे के सारे काम करने की तत्काल करने के ब्लू प्रिंट उन्होंने बना के रखा है। अब 18 महीने निकलने के बाद इन सब बातों से आज अलग होकर इनकार कैसे कर रहे हैं, प्रश्न इस बात का है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के हल्ला बोल पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। भूपेश सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जनता को सब याद है, जनता कुछ भी नहीं भूली है। जनता के पास आज भी बीजेपी के 15 वर्षों का ब्लैक प्रिंट है और जनता के पास भूपेश सरकार के 18 महीनों के कामकाज का ब्लू प्रिंट भी है। 15 साल उनके ब्लैक प्रिंट हमारे पास है जिसको इस प्रदेश की जनता ने देखा, जाना और समझा और सदन में एक कोने में 15 की सीमा तक उनको समेट करके रख दिया।
बहरहाल कोरोना काल के बीच भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हालांकि दूसरी ओर प्रदेश की जनता को इंतजार है कि जन उम्मीदों के साथ वो कांग्रेस को सत्ता में लेकर आई थी उस पर वो खरा उतरते हुए अपने बाकी के वादे जल्द से जल्द पूरा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो 180/18 आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए कांग्रेस प्रवक्ता रमेश कल्याणी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता सीतन सुंदरानी जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ स्वराज स्पेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल हैं और भोपाल स्टूडियो में से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। कल्याणी जी, एक सवाल आपसे ही है, इन 18 महीने में आप जनता की भलाई के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करते रहे या ब्लैक प्रिंट तैयार करने में बिजी रहे? नवीन चौबे जी बोल रहे हैं कि ब्लैक प्रिंट है हमारे पास, तो 18 महीने आपने ब्लैक प्रिंट तैयार किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। 15 साल के संघर्ष में जो ब्लैक प्रिंट तैयार किया था हम लोगों ने रमन सिंह के कार्यकाल का, उसको उन्होंने आज याद करा रहे थे रवीन चौबे जी। हमने तो अपना ब्लू प्रिंट जन घोषणा पत्र के माध्यम से पहले ही बना लिया था। कांग्रेस पार्टी का विजन और मिशन स्पष्ट है। हमारे जन घोषणा पत्र में जो प्राथमिकताएं हैं उसमें किसान है, गरीब है, आदिवासी है, छोटा व्यापारी है। हम अपने विजन के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन 180 महीने का जो ब्लैक प्रिंट है उसकी और इशारा करते हुए रमन चौबे जी ने रमन सिंह को बताया है कि पहले अपने आईने में अपना चेहरा देख लीजिए कि 180 महीने में आपने क्या किया है जो आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने तो 18 महीने में अपने काम करके दिखा दिया। तो 5 साल का ब्लैक प्रिंट आप ओपन कर दीजिए ना, जनता के सामने ला दीजिए ब्लैक प्रिंट। नहीं, ब्लैक प्रिंट तो हमने अपने 15 साल के संघर्ष के दौरान बताया है और अब फिर बताएंगे जनता को कि ये है रमन सिंह जी का असली चेहरा, वो बताने जा रहे हैं। क्योंकि बड़ा आश्चर्य है कि एक मुख्यमंत्री पद पर रहे व्यक्ति को धान खरीदी के ऊपर सवाल हमसे खड़ा करें कि 25 रुपया नहीं दिया। अरे, आपने किसानों का बोनस खा लिया, बोनस दिया नहीं। आपने 2100 के लिए पहल करने की बात की, पहल तक नहीं कर पाए। हमने 2500 का वादा किया, उसको पूरा कर रहे हैं। आपके अड़ंगे के बावजूद हम राजीव न्याय योजना के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। हमने आदिवासियों की जमीन वापस करने का काम किया। हमने तेंदू पत्ता तोड़ाई दर बढ़ाकर आदिवासियों का आर्थिक सशक्तिकरण किया। लघु वन उपोज को हमने समर्थन मूल्य पर खरीद किया है। कोरोना काल में सभी लोगों को राशन समय पर घर पहुंचाया, 2-2, 3-3 महीने का एक साथ में। तो ये सब गरीब कल्याण योजना हमारी है। अब उस पर आप सवाल खड़ा करें, आश्चर्य है। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति हार के बाद इतने निराश और हताश हैं कि कुछ भी अनर्गल आरोप करें तो ये जनता तो बर्दाश्त करेगी नहीं। ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए, तो सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, क्या बात है, लगातार नए नए रंग बिरंगे हो रहे हैं, कभी हरे, कभी लाल, कभी नीला, कभी आज पर्पल कलर में। हम लोग शर्मा रहे हैं सब लोग। मनोज जी हमारे यंग हैं, वो भी देख रहे हैं कि सुंदरानी जी किस तरह से आज बिल्कुल खिल रहे हैं। खैर, आप जी जी त्रिपाठी जी, हर रंग में रंगे रहना चाहिए इंसान को, एक रंग में अच्छा नहीं लगता आदमी। इतने सारे रंग हमारे बल्लानी जी धूमिल हो जा रहे हैं आपके सामने, जो चटक रंग आपने पहन रखा है। देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय बल्लानी जी को मैं सुन रहा था जी, जिनके पास खुद का ब्लूप्रिंट न हो, जिनके पास बोलने के लिए उपलब्धियां न हो, जिसने 1.5 साल में 1 ईंट का भूमि पूजन न किया हो, शिलान्यास की तो बात नहीं रखी हो, शिलान्यास का पत्थर तो अलग बात है, भूमि पूजन का पत्थर भी जिस सरकार ने न रखा हो, एक सड़क न बनाई हो, एक कोई बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम न किया हो, और वो इन्होंने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी उनका ब्लूप्रिंट इनके पास न हो तो ये डॉक्टर रमन सिंह जी का ब्लैक प्रिंट ही लेके घूमेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक सरकार बनाई, दूसरी सरकार बनाई, तीसरी सरकार बनाई।
हम चौथी सरकार बनाने में विफल रहे, जरूर हम में कुछ कमियां होगी जी, लेकिन ये हमारे 15 साल के कार्यकाल को लेकर कब तक रोते रहेंगे। लगभग 19वां महीना शुरू हो गया है जी, लेकिन 22 वादे पूरे कर दिए हैं हमने सरकार में, घोषणा पत्र में किए गए वादे 22 वादे पूरे ये कर दिए बोल के। त्रिपाठी जी आप दिल पे हाथ रख के बोले, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका तजुर्बा मैंने देखा है, आपके साथ बैठने में मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आपके साथ रोज मुझे बैठने का अवसर मिले तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आप दिल से हाथ रख के बोलिए कि क्या ये सरकार ने वादे पूरे किए। मैं बड़ा अदना सा पत्रकार हूँ सुंदरानी साहब, आप मुझे क्यों बीच में लपेट रहे हैं? दो लोगों के बीच में मुझे नहीं लपेटना चाहिए, बागड़ का नुकसान हो जाता है। अब ये नहीं बोलेंगे किसकी लड़ाई में बागड़ का नुकसान होता है, बागड़ का नुकसान मेरे ख्याल से वल्याणी जी मेरे बड़े भाई हैं, वो भी बड़े अच्छे नेता हैं, वो भी आपकी तारीफ करेंगे, नहीं तो पूछ लीजिए अगर वो तारीफ न करें तो। चलिए तो 22 वादे इन्होंने जो पूरे किए हैं, कौन से वादे पूरे नहीं किए हैं आप बता दीजिए, मैं उनसे पूछ लूंगा। कोई वादे देखिए, सबसे बड़े वादे की बात करते हैं, शराबबंदी की बात की, शराबबंदी तो दूर, कोचियों का राज आ गया, के राजस्व सरकार का घट रहा है, अवैध शराब गली गली में बिक रही है। चलिए अवैध शराब वाला मामला, शराब वाला मामला 22 से अलग, 22 से अलग जो वादे किए हैं उनमें वो गिनती में है, जो 22 वादे पूरे करे हैं वो अवैध शराब। मैं त्रिपाठी के जो वादे पूरे किए हैं वो तो बताइए, बेरोजगारी हमने वादे पूरा कर लिया उस पे तो आइए। चलिए एक ले दे के धान खरीदी, वो भी दाना दाना धान खरीदने की बात थी, वो 15 क्विंटल खरीदे जी। 2 साल का बोनस जो हमने नहीं दिया, जिसके कारण हमारी सरकार नहीं बनी जी, जिसके कारण भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री है जी, वो 2 साल का बोनस किसानों का ये लोग खा गए, वो देना चाहिए जी। एक नौजवान को, बेरोजगार नौजवान को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना था इन्होंने जी, 10 लाख नौजवानों को देना था जी, प्रति महीना 2500 से 1 साल का होता है 30,000 जी, और 1.5 साल का वो बेरोजगारी भत्ता 10 लाख नौजवानों का ये खा गए जी। एक एक नौजवान को 45,000 रुपए भत्ता मिलता अगर ये दे चुके होते तो, लेकिन ये बात करेंगे 5 साल की, क्या जो बेरोजगार नौजवान को 5 साल बाद बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या बेरोजगार नौजवान कैसे जिएगा? बिल्कुल, आपके समय कैसे जीता था जब आप ये 5 साल की बात करते हैं हर मुद्दे, आपके समय कैसे जीता था जब आप हमने बेरोजगारी भत्ते की बात 2003 में देखिए, हमने बेरोजगारी भत्ता जी 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 हमने नहीं बोला था, हमने रोजगार के अवसर बढ़ाए, हमने रोजगार के अवसर बढ़ाए साहब जी। अरे चलिए तो 2 साल का ये आप ये झीरम घाटी की बात करते हैं जी, 2 साल का बोनस आप क्यों खा गए थे जिसके कारण आपकी सरकार चली गई? हम सजा भोग लिए ना, उनके रोने इनको क्यों रोने, हम तो जनता की सजा भोग लिए जी, हम तो सत्ता से बाहर हो गए, अब तो सत्ता इनको चलानी है ना, सत्ता का जवाब इनको देना है ना, क्यों नहीं दे रहे 2 साल का बोनस? जवाब दे ये है ना, शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी टैक्स आधा क्यों नहीं कर रहे, आज नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे? झीरम घाटी के सबूत होने के बाद झीरम घाटी की घटना से पर्दा क्यों नहीं उठा रहे? जवाब तो इनको देना है त्रिपाठी जी, जवाब हमें नहीं देना है, जवाब तो जवाब लेने वालों में से है, बिल्कुल जवाब बिल्कुल, देने वालों में से नहीं बिल्कुल। और ये 15 साल का रोना कब तक रोएंगे? चलिए 15 साल का रोना या भी रोएंगे जब तक अगला चुनाव और ये खुद के ये कब तब तक रोते रहे, ये तो आज चुनाव हो जाए तो पता चल जाएगा, भूपेश बघेल जी की सरकार साफ हो जाएगी, जो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की सदन में, वो स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाएंगे ये लोग।
चलिए तीन चौथाई है उनके पास, कितने तोड़ेंगे आप? जितने भी तोड़ लेंगे तो भी उनकी सरकार अभी बनी रहेगी। बल्याणी जी आप बता दीजिए फिर मनोज जी की टिप्पणी। हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तो जी आप अभी एक दिन कह रहे थे कि सिंधिया जी तोड़ेंगे या अपने बोझ से गिरेंगे। नहीं त्रिपाठी जी, अरे आप इसके पहले एक दिन ये अपने बोझ आप कह रहे थे जिस दिन सरोज जी का बयान आया था कि हमने ढूंढ लिया है, मैंने आपसे कहा भी था कि एक महाराज वहां भी ढूंढा है क्या, आपने कहा हाँ मिल गए हैं। नहीं 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 जरूर मिलेगा, समय आने पे समय आने दीजिए, हम जल्दी में नहीं है, हम तो अभी इनका और पतन देखना चाहते हैं। चलिए सुना बल्याणी जी आप थोड़ा सा जो वादे पूरे किए हैं सुंदरानी जी वो जानना चाह रहे हैं, उन वादों को अगर आप बता देंगे गिना देंगे आप बहुत ही 22 वादे गिना दे, मैंने एक एक हो सकता है सुनानी जी थोड़ा छोड़ दीजिए, दो चार छह आदमी भूल भी जाता है। नहीं नहीं त्रिपाठी जी जी मैं तो चलो 20 गिना दे, 20 नहीं नहीं मैं वादे तो गिना देता हूँ। पहले नहीं नहीं पहले पहले त्रिपाठी जी मैं सुंदरानी जी की बातों का स्पष्टीकरण ले लूं जी, कि 2003 के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था जी कि वो हर आदिवासी को परिवार को एक गाय देंगे, हर आदिवासी परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे जी, और बेकारी भत्ता भी 2003 के इनके घोषणा पत्र में था। अपनी बात नहीं बताएंगे, डेढ़ साल में इन्होंने कुछ नहीं दिया, 2003 डेढ़ साल का कोई लेखा जोखा ही नहीं, डेढ़ साल का कोई लेखा जोखा रखे नहीं है। सुनानी साहब आपने कहा कि घोषणा पत्र में नहीं था, 2003 का बल्याणी जी क्यों ले रहे हैं? 2008 में उनको जनता ने फिर बिठा दिया, वो सब गौण हो जाता है, अगर जनता ने बिठा दिया तो गौण हो जाता है। 2008 में 2013 में जी बल्याणी साहब अपना बता दीजिए तो ज्यादा बेहतर। त्रिपाठी जी जी 2000 नहीं मैं तो बता ही रहा हूँ, 2003 2008 2013 इनके घोषणा पत्र गाय हमने किसानों का कर्जा माफ करने के लिए बोला जी, किसानों का कर्जा माफ करने की हमने बात की थी, किसानों कर्जा माफ किया जी, किसानों के से हम धान खरीदी करेंगे 2500 रुपया प्रति क्विंटल की दर से, उस वादे को पूरा किया। पहले साल में तो 2500 रुपया हमने दे पाए, दूसरे साल में इनके प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इन्होंने अड़ंगा लगवाया जी, उसके बावजूद भी हमने 2500 वाला वादा राजीव न्याय योजना के माध्यम से पूरा करने का काम कर रहे हैं जी। हमने आदिवासियों का जो पट्टा नहीं दिया था इन्होंने जी, उस पे हम काम कर रहे हैं जी। टाटा स्टील प्लांट ने वहां के आदिवासियों की जमीन ली थी, प्लांट नहीं लगा जी, तो रमन सिंह जी ने टाटा स्टील वाली जमीन को अपने लैंड पूल में रख के दूसरे उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने की साजिश की थी जी। उसको हमने खत्म किया और टाटा स्टील वाली जो जमीन है आदिवासी परिवारों को लौटाने का काम किया है जी। हमने बेरोजगारों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम किया है, हमने आदिवासियों को तेंदू पत्ता की तोड़ाई दी, 4000 आदिवासी परिवारों जी। सुनानी सुन तो लीजिए, जो हमने किया है वो बता रहे हैं जी 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 जी। हमने त्रिपाठी जी आदिवासी अंचल में लघु वन उपज पहली बार हिंदुस्तान में समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है जी। और हिंदुस्तान में अकेला राज्य है जो सर्व नंबर एक पर है इस मामले में जी। तो ये सारे एक के बाद हमने बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी, बिजली बिल हाफ किया है छे। तो ऐसी अनेक योजनाएं अब आइए ये बेकारी भत्ते की बात कर रहे हैं। बेकारी भत्ता तब दिया जाता है जब हम रोजगार के अवसर उपलब्ध न करा पाए, और जन घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है। हमारी प्राथमिकता में पहले भी मैंने कहा कि जन घोषणा पत्र हमारा ब्लूप्रिंट है जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वीकार किया था कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो वादे किए थे किसानों के मामले में विशेष कर से, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की इस बुरी तरह पराजय हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने स्वीकार किया था चुनाव में जी। अब ये 15 पे उतर गए हैं, अभी 2 उपचुनाव हुए हैं, सुंदरानी जी कह रहे आज चुनाव हो जाए तो ये कहां रहेंगे? अरे भी 2 उपचुनाव में तो आप हार का मुंह देखना पड़ा है, अभी हाल में नगर निगम के चुनाव में आप हारे हैं, पंचायत चुनाव में आप हारे हैं। हम तो अपने ब्लूप्रिंट, अपने जन घोषणा पत्र को ब्लूप्रिंट मानते हैं, वो प्रायोरिटी के आधार पर हम उसको काम करने जा रहे हैं। लोकसभा में क्या हुआ? सरकारी भत्ता के मामले में भी सजग है, शराबबंदी के मामले भी सजग है जी। सुंदरानी जी बोल रहे हैं कि लोकसभा में क्या हुआ?
हालांकि उपचुनाव सरकार के होते हैं। लोकसभा चुनाव में आपने छद्म राष्ट्रवाद के आपने चुनाव जीत लिया जनता को बहकाकर जी, तो उसमें आप घमंड मत करिए। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 2018-19 में जो वादे किए थे 15 लाख रुपए किसी के खाते में, क्या 15 रुपए नहीं आए? चलिए वो तो 2013 में बोला था, लोगों को रोजगार देने की बात की थी, दिया क्या? 2019 में जिस तरह से उनकी जीत हुई है, 2013 में 15 लाख का वादा किया था, अगर 2019 में जीत गए हैं और जिस प्रचंड बहुमत से जीते हैं तो वो मामला गौण हो गया, वो मुद्दा आप मत उठाइए। बल्लानी जी, त्रिपाठी जी, मुद्दा गौण नहीं हुआ, जनता को, जनता इनके छलावे में भ्रमित हो गई जी, अब वही जनता परेशान हो रही है जी। आज देश की अर्थव्यवस्था को कहां पर ले जाके छोड़ दिया इन्होंने, आर्थिक मंदी में इन्होंने कुछ जनता का राहत नहीं दिया, कोरोना काल में जनता को राहत नहीं पहुंचाई जी, आज जनता परेशान हो रही है दोबारा इनको जिताकर जी जी जी। चलिए मनोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा एक संक्षिप्त टिप्पणी, जितना बल्लानी जी बोला है, बल्लानी जी ने कहा है कि हमने सारे वादे पूरे कर दिए हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं? मनोज जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा, रमेश जी। हाँ देखिए, अभी सरकार की तरफ से जो वक्तव्य आता है बार बार जी, मनोज जी आप थोड़ा रुकेंगे, हम रमेश जी की टिप्पणी, मैं ये बता रहा था कि मनोज जी थोड़ा सा रुकिएगा, तकनीकी कारणों से मनोज, हाँ जी मनोज जी, मनोज जी बोलिए जी। मैं ये बता रहा था सर कि सरकार की तरफ से जो वक्तव्य आते हैं उसमें ये बताया जाता है कि कुल 36 वादे जन घोषणा पत्र के माध्यम से किए गए थे, जिसमें 22 वादे पूरे कर लिए सरकार ने, और उसकी बकायदे फहरिस्त भी है, उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और जो सबसे बड़े वादे थे जिस पर सबकी नजर थी कि किसानों का कर्जा माफ, निश्चित तौर पर कर्जा माफ हुआ है, 2500 रुपए में धान खरीदी, पहले साल हुई खरीदी, दूसरे साल भी हुई, लेकिन उसमें बाधा आई और बाधा के बाद राजीव गांधी न्याय योजना शुरू करके जो डिफरेंस राशि है वो दी जा रही है, और कुल मिला के किसानों के खाते में 2500 रुपए देने की बात सरकार कह रही है। कुछ विपक्ष ने इसको लेकर जरूर सवाल उठाए हैं कि ये जो अंतर की राशि है उसको आप किस्तों में क्यों दे रहे हैं, उसको इकट्ठा देना चाहिए जिससे किसानों के काम आए, लेकिन किसान संतुष्ट है कि उनको किसी भी तरह से 2500 रुपए मिल जाए अगले फसल से पहले, जैसा कि टीएस सिंहदेव ने भी पिछले कुछ दिनों पहले कहा था कि यदि अंतर की राशि पूरी नहीं मिली तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो जो घोषणा मुख्य तौर पर किसानों के लिए थी उन सभी घोषणाओं को पूरा किया गया है। बिजली बिल हाफ की बात कही गई थी, लेकिन उसमें क्राइटेरिया बना दिया गया कि 400 यूनिट तक जो यूज करते हैं उसका बिजली बिल हाफ किया जाएगा। लेकिन अब जाकर विपक्ष जो है आक्रामक इस बात पे हो रही है कि शराबबंदी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कांग्रेस जब विपक्ष में थी, और उस समय जो है शराबबंदी की बात जन घोषणा पत्र में प्रमुख तौर पर कही गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद इस दिशा में कमेटी बनाई गई है, दो तरह की कमेटी बनाई गई है, सरकारी और गैर सरकारी, और सरकार का दावा है कि ये कमेटी जो है लगातार अध्ययन कर रही है और अध्ययन के बाद जो सुझाव देगी, क्योंकि बार बार इस संबंध में सरकार से सवाल होता है और सरकार का यही तर्क होता है कि अचानक जो है शराबबंदी लागू करने से इसके दुष्परिणाम जो है वो खतरनाक होंगे। तो इस तरह से जो है अभी हालांकि 3 महीने कोई काम हुआ नहीं, पूरा फोकस जो है सरकार का, न सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की सरकार का फोकस जो है वो भी कोविड-19 को कंट्रोल करने में है। तो 3 महीने जरूर स्पीड कम हुई है, और सरकार अभी भी बार बार बात कहती है कि 5 साल के लिए घोषणा पत्र है और लोगों को इंतजार करना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। रमेश जी, ऐसे भी 180 बनाम 18, जब मामला लंबा होता है ना तो बहुत सारे वादे नहीं हो पाते, पूरे हो पाते। मैंने जो कार्यकाल 15 साल चला, 180 महीने चला, उसको 118 महीने से कंपेरिजन करना कितना उचित होगा? विपक्ष को अभी समय देना चाहिए, जैसा मेरा सोचना है। आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, 180 महीने के काम को आप 18 महीने से करेंगे तो वो मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दबाजी है जी। छत्तीसगढ़ में विपक्ष की, उनको ये नहीं तोलना चाहिए जी। एक बात दूसरा, इस सरकार छत्तीसगढ़ में जो इस समय सरकार है
उसके दो निर्णयों का तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। एक तो उन्होंने जो कर्ज माफी की है किसानों की, वो एक अच्छा निर्णय हुआ, और दूसरा खींचतान के बावजूद उन्होंने जो खरीदी में, चावल की खरीदी में जो बोनस की राशि, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो एक बार ये भी कह दिया था आप महंगा खरीदेंगे तो हम आपसे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, उसके बाद नहीं खरीदनी, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने ये रास्ता निकाला है, ये मैं समझता हूँ ये दोनों काम उनके अच्छे हैं और ये जनता उनके कामों को पसंद करेगी। जहां तक दूसरी एक और बात है, विपक्ष को थोड़ा सा सहयोग भी करना चाहिए, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि अगर विपक्ष ने ये कह दिया कि 18 महीने बना 180 महीने जनता समझ लेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को अपने काम गिनाना चाहिए, उनकी गलतियां गिनाने से क्या फायदा। मुझे आप ही बताइए, गीता में कृष्ण ने एक स्थान पर कहा है कि जो लोग अतीत में बहुत डूबे रहते हैं वो अपना वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस की सरकार वहां पर पिछले उनके 180 महीने कई करते रहेगी तो आपके पास समय सीमित है, एनर्जी सीमित है, साधन सीमित है, आप अपना काम कब करेंगे, आप अपना काम करते चले जाइए। तीसरा, ये जो बेरोजगारी भत्ते की बार बार आती है, मैं समझता हूँ बेरोजगारी भत्ता देकर के नौजवानों को निकम्मा बनाने की कोशिश से किसी भी सरकार को बचना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस की हो। इसके बजाय जो स्किल डेवलपमेंट का, जो कौशल विकास का प्रधानमंत्री ने कहा है, आप मुझे बताइए भारत सोने की चिड़िया कब था, वो तब था जब कौशल का यहाँ पर विकास हुआ करता था। मैं समझता हूँ उस तरफ ज्यादा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। जी बैयानी जी, अतीत को लेकर वर्तमान और भविष्य मत बिगाड़िए, ऐसा एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी है आपके लिए। सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूँ। बैयानी जी मैंने ब्लैक प्रिंट पे भरोसा मत करिए, ब्लू प्रिंट पे भरोसा करिए। पत्रकार महोदय की टिप्पणी बिल्कुल वाजिब है। नहीं 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 बात सही है, उनके विचारों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो विपक्ष लोगों को भ्रमित करने की बात करता है जी। तो जनता के बीच भ्रम की सही वातावरण न बने, इसलिए जरूरी है कि उनको हम अतीत की याद कराएं विपक्ष को जी। इसलिए उन सवालों को हमको जवाब देना पड़ता है जी। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार अपने घोषणा पत्र के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से काम कर रही है जमीनी धरातल पर जी। और उसका हम प्रचार प्रसार जनता के बीच कर ही रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं जी। सुनानी जी आखिरी सवाल आपसे है कि ये कहीं आप 18 महीने 180 को 18 महीने से आप लोग कंप्लीजन करके देख रहे हैं, रमेश शर्मा जी ने भी कहा टिप्पणी, ये थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं है? घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, बात सही है, जो वादे आपने पूरे नहीं किए थे उन्होंने वादा कर दिया इसलिए दोषी हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने भी शराबबंदी नहीं की थी, आपने भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया था, आप खुद बोल रहे हैं कि 2 साल का बोनस हम खा गए थे। हमने शराब नहीं, हमने शराबबंदी की कभी बात नहीं की, हमने बेरोजगारी भत्ते की कभी बात नहीं की, हम 2 साल का बोनस नहीं दे पाए इसका हमें अफसोस है। लगातार घोषणा पत्र पढ़ लीजिए सुंदरानी जी, क्यों गलत बोल रहे हैं? चुकी है शराबबंदी, रमन सिंह जी ने हमेशा कहा है। अब अच्छा उसके बाद अच्छा एक बात सुनिए, कभी अगर हमने शराबबंदी कही होगी, मैं राजनीतिक रूप से चुनौती देता हूँ वल्याणी जी, आप और हम दो जो अगर शराबबंदी हमारे घोषणा पत्र में होगा तो मैं राजनीति से हट जाऊंगा साहब। ऐसा मत करिए, ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं सर? नहीं तो आप हट जाइएगा। नहीं नहीं ऐसा हम दोनों सुंदरानी जी ऐसा मत करिए, आप फंस जाओगे। ऐसा मत करिए सुंदरानी जी, फंस जाओगे आप। शराबबंदी शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ते की बात आप भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप मत बोल गलत बोल के फंसी। हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी चुनाव के घोषणा पत्र मेरे पास है। देखिए इस मुद्दे को यही विलोपित कर दिया जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरा अच्छा साथी राजनीति से संन्यास ले, कोई भी राजनीति से संन्यास ले, इस मुद्दे को यही विलोपित कर दिया जाए। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि सुंदरानी जैसा आदमी अच्छा नेता संन्यास ले ले। नहीं नहीं मैं दोनों लोगों के लिए नहीं चाहता हूँ, मैं दोनों लोग लेने चाहता हूँ, लेकिन सुंदरानी जी हमारा सवाल यही है कि जो चीज आप नहीं कर पाए थे वो उस पे विपक्ष, मतलब आप मैंने रमन सरकार नहीं कर पाई थी, 2 साल का बोनस आपने नहीं दिया था, इन्होंने वादा करके सरकार बना ली, आपका आरोप है, आपने भी तो नहीं दिया था, और आप भी जानते हैं शराबबंदी में आप कर सकते नहीं, ये कर सकते हैं, राजस्व आएगा कहाँ से? राजस्व नहीं आएगा तो आगे जो जन कल्याणकारी कार्य है उसको कैसे पूरा करेंगे आप?
नहीं, इनके पास तो ब्लूप्रिंट तैयार था ना, ये तो कमेटियां बनाने की जरूरत ही क्या थी। चलिए समय भी हमारा समाप्त हो रहा कर रहा है ना उसको। चलिए समय भी हमारा में है। चलिए बल्लानी जी, अरे अभी हमारे पास 3.5 साल है, क्यों चिंता करते हो भाई। चलिए चलिए 180 बना में 18, थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं लग रहा है, थोड़ा संतुलन हो, थोड़ा दिन और हो जाने दीजिए सुंदरानी जी, फिर वार करिए। लेकिन सुंदरानी साहब एक कहना यहाँ, आपने बल्लानी जी को बड़ा भाई कहा है, इसलिए कहना चाहूंगा कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद में थोड़ा उत्पाद। मैं हमेशा क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद में थोड़ा उत्पाती, इसलिए बल्लानी जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा। बल्लानी जी इस समय सुंदरानी जी खाली भी है, सत्ता नहीं है, और जिस तरह से उनका पहनावा है रोज रोज रंग बिरंगे, थोड़ा सा लगता है बहक रहे हैं। आप बड़े भाई हैं, कंट्रोल करिए उनको थोड़ा सा। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आप। जरूर जरूर, आप सभी लोगों को जरूर जरूर, सुंदरानी जी आपको, बल्लानी जी आपको, और मनोज जी आपको हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का आरोप है कि रमन सिंह की सरकार ने प्रदेश के लोगों के साथ वादा खिलाफी की, लेकिन अगर ऐसा है तो छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? डॉक्टर रमन सिंह लगातार 15 साल तक कैसे मुख्यमंत्री बने रहे? निश्चित तौर पर बीजेपी के पिछले कार्यकाल में कमियां रही होंगी जिसकी वजह से कांग्रेस की राज्य में सरकार बनी, लेकिन जिस तरह से अब सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि उसने 18 महीने में ही 36 में से 22 वादे पूरे कर दिए हैं और बाकी बचे वादे भी जल्द पूरे होंगे, तो ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है कि सरकार पर हल्ला बोलने के बजाय सकारात्मक सोच रखे। हाँ, अगर वादे पूरे नहीं हो रहे हैं तो फिर विपक्ष का आवाज उठाना लाजमी है। ऐसे में फिर भूपेश सरकार को चाहिए कि जनता से किए वादों को निभाए, उसमें ज्यादा देर नहीं करे। चलो छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां 24 का चक्रव्यूह है, लिहाजा अब बात इसी मुद्दे को लेकर। तो मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसके नतीजे तय करेंगे कि फिलहाल सत्ता में काबिज बीजेपी का ही प्रदेश में शासन रहेगा या फिर कांग्रेस कमबैक करेगी। हालांकि बहुत कुछ प्रत्याशियों और उनकी छवि पर निर्भर करता है। हालांकि इसमें कांग्रेस और बीजेपी तकरीबन बराबरी पर ही है। दरअसल 1 और 22 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी तय हैं, तो कांग्रेस किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई। हाँ, मुख्य विपक्षी पार्टी प्रचार के मामले में जरूर बीजेपी से थोड़ा सा आगे निकलती दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी जहां वर्चुअल रैली के लिए उपचुनाव में जीत के लिए जोर लगा रही है, तो कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ खुद प्रचार करने के लिए मैदान में उतर गए। लेकिन सबसे अहम तो यह है कि 24 सीटों के लिए चक्रव्यूह किसका दमदार है। चलिए उस पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव कब होंगे ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी से पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तार जिले के बदनावर से अपने चुनाव प्रचार